थाईलैंड बैंकॉक का अरुण मंदिर जो बना रही है आप लोग, ये अभी एक ब्रांड बन चुका है और ऐतिहासिक आप बोल सकते हैं जगह भी बन चुका है। बांस के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बंगाली में काठ बोलते हैं, ठीक है, काठ का कि हमारे भारतवर्ष में कलाकारी का अंत नहीं है, मैं कहूंगा, क्योंकि नाइट के इफेक्ट में लेजर लाइटिंग शो रहने वाला है। आप पहुंचे हैं मंडप के अंदर, तो मंडप के तो क्या आप लोग तैयार हैं बैंकॉक घूमने के लिए? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं बैंकॉक क्यों बोल रहा हूँ घूमने के लिए। बता दूं पीछे जो आप लोग बैकग्राउंड में अभी एक माँ दुर्गा का पंडाल का भव्य दृश्य आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, अब ठीक इसी दृश्य के पीछे मेरा वो बात छिपा हुआ है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ बैंकॉक घूमने के लिए। तो ठीक आज मैं जहां पर आ पहुंचा हूं, वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट का कल्याणी सिटी। बता दूं ये जो मैदान, ये जो पूजा प्रांगण आप लोग देख रहे हैं, ये अभी एक ब्रांड बन चुका है और ऐतिहासिक आप बोल सकते हैं जगह भी बन चुका है। विगत कुछ वर्षों से यहां पर माँ दुर्गा का आराधना जिस तरीके से किया जा रहा है, एक से एक बेहतरीन भव्य पंडाल, भव्य पूजा मंडप थीम बनाकर, क्यों मैं बोल रहा हूँ पूरा डिटेल्स आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं डाउट, कल्याणी आईटीआई मोर आप लोगों को आना है, कल्याणी स्टेशन उतर के आप लोगों को बोलना है कल्याणी आईटीआई मोर जाना है। अल्यूमिनस क्लब इस पूजा मंडप को बना रही है और करा रही है। आप लोगों को बता दूं इस मैदान में आप लोग इंडिया के बाहर का बहुत सारे ऐसे थीम है जो देखते आए। आप लोगों को पहले मैं पोस्टर दिखाना चाहता हूँ जो क्लब इस पोस्टर को यहाँ पर लगा के रखी है। बनने के बाद पंडाल किस तरीके का दिखेगा आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर देख रहे हैं। और बता दूं जो मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, अरुण मंदिर नाम है बैंकॉक का। तो ठीक बैंकॉक का अरुण मंदिर जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से भव्य निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। चलिए चलते हैं अंदर, आप लोगों को पूरा पूरी एक दृश्य अच्छे से दिखाता हूँ किस तरीके से कितना दूर तक अरुण मंदिर बनकर कंप्लीट हुआ है। और ठीक आप लोगों को पिछला वीडियो में मैं दिखाया था यहाँ पर आकर किस तरीके से कहाँ तक काम कंप्लीट हुआ था। फिर मैं और एक बार आ पहुंचा हूँ क्योंकि डिमांड था भाई आप लोगों का कि कल्याणी आईटीआई ल्यूमिनस क्लब जो इस साल बैंकॉक का अरुण मंदिर बना रही है उसका निर्माण कार्यकाल कितना तक पहुंचा आप लोग एक बार मुझे दिखाइए, आप लोग कमेंट किए थे। तो ठीक मैं आ पहुंचा हूं और आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं, मे भी अगर बोला जाए तो 50% काम कंप्लीट हो चुका है। बांस का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाया था और अब ठीक बांस के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बंगाली में काठ बोलते हैं, ठीक, अब काठ का जो फाइनली परत है वो चढ़ाया जा रहा है जो आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं। मंदिर का ऊपर का जो शीर्ष होता है, ठीक, एक एक करके डिजाइन को मटेरियल को बनाया जा रहा है। अब बनाकर आप लोग सीधे सीधे देख रहे हैं वो एकदम शीर्ष में ऊपर में लगाया जा रहा है। सच में गाइज मैं एक ग्रेट सल्यूट देना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में कलाकारी का अंत नहीं है। मैं क्यों बोला इस बात को कि बैंकॉक में जो अरुण मंदिर एकदम ओरिजिनल हूबहू जो वहां पर बसा हुआ है, उसी अरुण मंदिर को वेस्ट बंगाल में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, एक से एक कलाकारी, एक से एक इमारतें, एक से एक मंदिर का कॉपी पेस्ट करके बांस के स्ट्रक्चर पर खड़ा कर दिया जाता है। और जितने भी कारीगर दिन रात मेहनत करके ये जो पंडाल बना रहे हैं दर्शनार्थी लोगों के लिए ताकि वो लोग आकर फेस्टिवल को एंजॉय करें और माँ दुर्गा का स्थापना जो अंदर में होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो सभी को एक ग्रेट सल्यूट है। सच में जो कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है बनने के बाद एक अलग ही वाइब आएगा। और आप लोगों को बता दूं कि नाइट का जो इफेक्ट होगा वो अलग ही इफेक्ट होगा क्योंकि नाइट के इफेक्ट में लेजर लाइटिंग शो रहने वाला है, रंग बिरंगे लाइटिंग का इफेक्ट रहने वाला है जो कि अलग अलग ही वाइब आएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा सा अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर का जो दृश्य आप लोग सीधा देख रही है, एंट्रेंस गेट है यानी कि एंट्री गेट है, ठीक इसके अंदर जो काम कंप्लीट हुआ है आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ।
फिलहाल अब हम लोग आ पहुंचे हैं मंडप के अंदर। तो मंडप के अंदर का जो दृश्य आप लोगों को मैं पूरा पूरी सही ढंग से दिखा दिया हूँ। फिलहाल अभी मंडप के भीतर का जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, सारे कारीगर दिन रात मेहनत करके लगे पड़े हैं अरुण मंदिर को कंप्लीट करने के पीछे। साथ ही साथ अंदर में आप लोगों का प्लाई बोर्ड का काम अभी चल रहा है। ठीक ये सीधा जो आप लोग देख रहे हैं माँ दुर्गा यहीं पर विराजमान होंगी। और कल्याणी आईटीआई लुमिनस क्लब एक ब्रांड बन चुकी है इस पूजा के पीछे। बता दूं आप लोगों को, जैसे ही माँ दुर्गा का आराधना का नाम आता है वैसे ही वेस्ट बंगाल स्टेट सबसे पहले लोगों के जहन में आता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट में माँ दुर्गा का पूजा जिस तरीके से भव्य रूप से मनाया जाता है क्या ही बोलूं आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर मैं वेस्ट बंगाल में बात कर लूं कोलकाता सिटी का, क्योंकि दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा फेमस अगर बोला जाए तो कोलकाता सिटी में ही मनाया जाता है। और जैसे ही कोलकाता सिटी में दुर्गा पूजा का नाम आता है वैसे ही दो क्लब का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। एक श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब जो कि कोलकाता में बसा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर कल्याणी आईटीआई लुमिनस क्लब, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। और आप लोगों को 2024 साल का माँ दुर्गा का उत्सव का श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का तो थीम पता चल ही गया है। अब आप लोग कॉमेंट करिएगा कि दोनों क्लब में से बेस्ट पूजा मंडप थीम कौन सा क्लब करा रही है। बाकी का जिस दिन ओपनिंग होगा उस दिन का तो लाइव फुटेज आप लोगों के पास में जरूर ही रखूंगा। तो ठीक आप लोगों को मैं पूरा वीडियो फुटेज दिखा दिया जो कि कल्याणी आईटीआई मोड़ के पास लुमिनस क्लब थाईलैंड बैंकॉक का अरुण मंदिर जो बना रही है। आप लोगों को बता दूं, मैं फिर से और एक बार ग्रेट सल्यूट देना चाहता हूं क्लब के सारे मेंबरों को और यहां के कारीगरों को, क्योंकि कारीगर अगर नहीं होते तो ये भव्य जो अरुण मंदिर है यहाँ निर्माण नहीं हो पाता। कम से कम आप लोगों को बता दूं, कम से कम 50 से 60 कारीगर लगे हुए हैं इस पूजा मंडप थीम को बनाने के पीछे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बांस का स्ट्रक्चर का मैं क्या ही बोलूं, कम से कम यहाँ पर 10,000 से ऊपर बांस का इस्तेमाल किया गया है। कम से कम मैं मिनिमम बता ही रहा हूं। अब इस पंडाल को देखने के बाद आप लोग भैया पूरा एक्साइटेड हो जाइएगा कि जरूर यहां देखने आना है। अब आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा ओपनिंग कब होगा। बता दूं ओपनिंग को लेकर अभी तक कोई भी खबर क्लब के सदस्यों ने हम लोगों के पास नहीं रखा है, ये एक सस्पेंस है, अभी तक डिसाइड भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर ओपनिंग का मैं बात करूं तो महालया के बाद दिन या फिर महालया के एक दिन पहले कुछ ऐसा ही डेट के इर्द गिर्द रखा जाएगा, ये मैं आप लोगों को हिंट्स दे दिया हूं। और बाकी का तो मैं हूं ही, अपडेट देता रहूंगा इस पूजा मंडप थीम को आकर। जैसे जैसे इसका निर्माण कार्यकाल चल रहा है वैसे वैसे सेम मैं आप लोगों के पास अपडेट पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए जय जय माँ दुर्गा का नारा लगाना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए यहीं पे मैं आज छोड़े जाता हूँ इस वीडियो को, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप थीम के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। क्योंकि आप लोगों को बता दूं कल्याणी सिटी में एक से एक बेहतरीन इस पूजा मंडप थीम को कंपटीशन देने वाला पंडाल बन रहा है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिर कोलकाता सिटी है ही, अब बाकी का वेस्ट बंगाल में जितने भी जगह पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं उन सारे फेस्टिवलों का अपडेट आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा का नारा लगाइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।